अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम हिना। सिंपल पास्ट टेंस, आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल पास्ट टेंस। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब इवेंट्स इन द पास्ट। ऐसा काम जो माजी में शुरू हो और माजी में ही ख़त्म हो गए हो। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और ये वाइड टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में जुमलों की पहचान है गया था, लिया था या गई थी। तो ये सारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके लिखते हैं। उसने चाय पी ली थी, शी टुक टी। वो बाज़ार गया था, ही वेंट टू बाज़ार। ठीक है, सेकंड फॉर्म गो ही वेंट है। असलम कराची गया था, असलम वेंट टू कराची। ये किताब मैंने कल ख़रीदी थी, आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। ठीक है, गुजरे हुए कल के लिए यस्टरडे। तो ये तो हो गए टोटल पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके देखें, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैंने आपको कहा था डिड आता है और डिड के बाद नॉट लगा दिया जाता है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता। उसने चाय नहीं पी थी, पॉजिटिव सेंटेंसेस में था पी थी, यहाँ पे आ गया नहीं पी थी। तो शी डिड नॉट टेक टी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब इसको नेगेटिव में करते हैं तो नेगेटिव में करके जो वर्ब की जो फॉर्म हमने सेकंड लगाई होती है उसको फिर हम दोबारा फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। जैसे ये टुक से मैंने टेक कर दिया। वो बाज़ार नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू बाज़ार। ठीक, वेंट था, वेंट को हमने दोबारा गो में कन्वर्ट कर दिया। असलम कराची नहीं गया था, असलम डिड नॉट गो टू कराची। यहाँ पे हर फाइल के साथ जो है डिड ही लगता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं सवालिया जुमले की तरफ। तो देखें, क्या उसने चाय पी ली थी, डिड ही टेक टी। ठीक, क्या असलम कराची गया था, डिड असलम गो टू कराची। क्या मैंने किताब ख़रीदी थी, डिड आई बाय अ बुक। ठीक, ये तो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमने डिड पहले लगा दिया। नेगेटिव में देखें, क्या उन्होंने चाय नहीं पी थी, डिड दे नॉट टेक टी। क्या असलम बाज़ार नहीं गया था, डिड असलम नॉट गो टू बाज़ार। ठीक है, और ये डिड नॉट को हम जो है साथ इकट्ठा भी लिख सकते हैं, डिडन असलम नॉट गो टू बाज़ार, डिडन दे सॉरी डिडन असलम गो टू बाज़ार, डिडन दे टेक टी। ठीक है, तो डिड नॉट कुछ हम साथ इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो डिडन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें।